भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव करनाल शहर के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया गया। लड्डू गोपाल को झुलाने के लिए लोग हजारों की तादाद में मंदिरों में पहुंचे। जिले में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कहीं झांकियां सजी तो कहीं रासलीलाएं व भजन होता रहा। शनिवार की रात जैसे ही 12 बजे घंटे घड़ियाल घनघना उठे और बधाइयां बजने लगी। लोगों ने प्रसाद बांटे और एक दूसरे को जन्माष्टमी की बधाई दी। शनिवार की सुबह से ही जिले के सभी गाँव कस्बों चौराहों पर शहरों में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां सजकर तैयार की गई थी। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया। बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने पहुंचकर मंदिर में श्री राधा कृष्ण के स्वरूप की पूजा की और नन्हे कान्हा को झूला झुलाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगे दिखाई दिए। करनाल के विभिन्न स्थानों पर यह आयोजन किए गए जिसमें नन्हे कान्हा माता राधा रानी की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। विभिन्न मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण लीलाओं का मंचन भी किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जन्म से ही अपनी लीलाओं से दुनिया को हैरान करते रहे और सच्चे जीवन जीने का संदेश देते रहे। श्री कृष्ण की लीलाओं से भी हमें संदेश मिलता रहा है। वहीं धार्मिक नगरी करनाल में भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। लगभग एक सप्ताह पहले ही सभी मंदिरों में श्री कृष्ण लीलाओं का गुणगान शुरू हो जाता है। सुप्रसिद्ध विद्वान और मुखारविंद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा, राधा रानी की कथा व अन्य श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देखिए करनाल के विभिन्न मंदिरों में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की सुंदर सुंदर झांकियां। मंदिर सेक्टर 8 में जन्माष्टमी उपलक्ष्य में झांकियां बहुत सुंदर सजाई गई हैं और नीचे हॉल में 9 से 12 बजे तक भजन का भजनवा कार्यक्रम रहेगा। रात 12 बजे हम भगवान जी का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़ी श्रद्धा धूमधाम से। दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु आकर अपना मथा टेक रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सुंदर झांकियाँ सजाई गई हैं जो कि मेरे ख्याल देखने में बहुत ही सुंदर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आइए, आप भी आइए और झांकियों का दर्शन करिए और कान्हा जी का जन्मदिवस हमारे साथ आगे मनाइए। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ की झांकियाँ देखने लायक है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं बड़े प्रसन्नचित होकर जा रहे हैं और नीचे कान्हा जी का गुणगान हो रहा है जिसमें करनाल के बहुत गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे गायक जिनकी आवाज में रस है वो श्री कान्हा जी का गुणगान करेंगे और हमारे बजे जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े खुशी के साथ बड़े भाव के साथ। आप करनालवासी सभी सादर आमंत्रित।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।